दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ धाम में एकदम से चूहों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और चूहों ने मंदिर के अंदर तबाही मचा रखी है। चूहों ने मंदिर की पूजा सामग्री को नष्ट कर दिया है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों को भी नष्ट कर दिया है। मंदिर के कर्मचारियों ने बताया था कि जगन्नाथ जी की मूर्तियां जो कि लकड़ी की होती हैं, वे भी चूहों से बाल बाल बची थी। दोस्तों, इस घटना को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। अब जगन्नाथ धाम में एक और बहुत बड़ी घटना घटित हुई है जो कि सच में डरा देने वाली है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि जगन्नाथ धाम में जो कोई भी घटना घटित होती है उसके द्वारा भगवान जगन्नाथ हमें संकेत देते हैं। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद जगन्नाथ जी ही धरती पर हैं, जो भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ हम सब के राजा हैं और हम सब उनकी प्रजा। वे इस धरती का संचालन अपनी नगरी पुरी से करते हैं। पुरी में वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके बड़े भैया बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा हैं। वहां वे तीनों अपने राज सिंहासन पर विराजित होते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में इस बार जो घटना घटित हुई है उसे लोग एक प्रलयंकारी महामारी से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जगन्नाथ मंदिर में रहने वाले सारे के सारे चमगादड़ एकदम से गायब हो गए हैं। लोगों का मानना है कि जगन्नाथ जी पिछली बार की ही तरह इस बार भी हमें संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, 22 तारीख को अक्षय तृतीया थी। क्या आपको पता है कि अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ मंदिर में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पूजा होती है? यदि आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक हिंदू को जानना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत ही खास पूजा होती है जिसमें रथों की पूजा की जाती है। इस पूजा से ही जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ मंदिर में गायब हो रहे चमगादड़ों के रहस्य को बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि 2023 की जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले रथों का निर्माण कैसे किया जाता है और इस बार 2023 में रथ यात्रा कब शुरू होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले चमगादड़ों के अजीबोगरीब रहस्य की बात करते हैं। दोस्तों, मंदिर के उत्तरी द्वार पर सदियों से निवास कर रहे इन चमगादड़ों के अजीब व्यवहार ने इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। दोस्तों, मंदिर के एक भक्त बताते हैं कि बचपन से ही हमने छोटे छोटे हजारों चमगादड़ों को मंदिर के उत्तरी द्वार की छत पर उल्टे लटके हुए देखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही इनकी संख्या में भारी कमी आई है। हो सकता है कि ये निशाचर प्रजातियां ध्वनि प्रदूषण के कारण वहां से चली गई हों। आम तौर पर इन निशाचर स्तनधारियों को ध्वनि प्रदूषण से एलर्जी होती है। हमें उनके नए ठिकाने का पता लगाना होगा। या तो उन्होंने किसी जीर्ण शीर्ण घर या फिर मंदिर में शरण ली है, या वे भोजन की तलाश में गए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि वे अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे। दोस्तों, पुरी वन्य जीव प्रभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हर्षवर्धन ने मीडिया को बताया, मंदिर का उत्तरी द्वार 1448 में कपिलेंद्र देव के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। चूंकि उत्तर द्वार को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, इस द्वार के माध्यम से भगवान के दारू को कोयली बैकुंठ को नव कलेवर के दौरान ले आया जाता है। दोस्तों, क्यूदंती है कि पुरी के प्रमुख महंत की मृत्यु के वे जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी द्वार में चमगादड़ के रूप में निवास करते थे। ये बातें तो मंदिर की हो गई, लेकिन दोस्तों उड़ीसा के लोग इसे कोरोना वायरस से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि चमगादड़ों के कारण ही चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था और उससे पहले भी भगवान जगन्नाथ जी ने संकेत दिए थे। इस बार भी भगवान जगन्नाथ हमें संकेत दे रहे हैं, बस इस बार माध्यम अलग है जो कि है चमगादड़। दोस्तों, अगर हम असल जीवन की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अब सच में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। आपका इस पर क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर में होने वाली रथ यात्रा की। श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के एक रूप है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के स्वामी। उनके शहर को जगन्नाथपुरी
या फिर पुरी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस साल 20 जून को निकाली जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिले में भी रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। खरसावां के हरिभंजा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद ही रथ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अक्षय तृतीया पर रविवार को खरसावां व हरिभंजा के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई। मंदिरों में प्रभु जगन्नाथ की अर्चना एवं पूजा के साथ साथ रथ के निर्माण की पूजा भी की गई। अक्षय तृतीया को ही उड़ीसा के पुरी समेत विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रथ के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडितों ने पूजा व हवन किया। पुरोहित ने पहले रथ के चक्के की पूजा की। इसके बाद कुल्हाड़ी से लकड़ी के कोने को काटकर रथ निर्माण कार्य को विधिवत शुरुआत की। लोगों में प्रसाद भी वितरण किया गया। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के साथ ही प्रभु जगन्नाथ के वार्षिक रथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। मंदिर समिति का एक दल वसंत पंचमी से ही रथ के लिए पेड़ों का चयन करना शुरू कर देता है। इस दल को महाराणा भी कहा जाता है। ये रथ निर्माण में दसपल्ला जिले के जंगलों से ही ज्यादातर नारियल और नीम के पेड़ों को काट कर लाए जाते हैं। नारियल के तने लंबे होते हैं और इनकी लकड़ी हल्की होती है। पेड़ों को काट कर लाने की भी पूरी विधि निर्धारित है। उस जंगल के गांव की देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ियां लाई जाती हैं। पहला पेड़ काटने के बाद पूजा होती है, फिर गांव के मंदिर में पूजा के बाद ही लकड़ियां पूरी लाई जाती हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने का काम आमतौर पर एक पुश्तैनी काम जैसा ही है। इन कलाकारों के पूर्वज भी यही करते रहते हैं। इस कारण रथ निर्माण में लोगों की विशेष योग्यता होती है। इन्हें बिना किसी किताबी ज्ञान के परंपराओं के आधार पर ही रथ निर्माण की बारीकियां पता हैं। रथ निर्माण में 8 तरह के अलग अलग कला के जानकार होते हैं। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि गुड़कार, ये रथ के आकार के मुताबिक लकड़ियों की साइज तय करते हैं। पही महाराणा, ये रथ के पहियों से जुड़े कामों को देखते हैं। ओझा महाराणा, ये रथ में कील से लेकर एंगल तक लोहे के जो भी काम होते हैं वो इनके द्वारा होते हैं। चंदाकार, इनका काम रथों के अलग अलग बन रहे हिस्सों को असेंबल करना होता है। रूपकार और मूर्तिकार, रथ में लगने वाली लकड़ियों को काटने का काम इनका होता है। चित्रकार, रथ पर रंग रोगन से लेकर चित्रकारी तक का सारा काम इनका होता है। दर्जी सेवक, रथ की सजावट से लेकर कपड़ों के सिलने और डिजाइन का काम इनका होता है। रथ भोई, ये मूलतः कारीगरों के सहायक और मजदूर होते हैं। दोस्तों, इस वर्ष रथ यात्रा का आयोजन 20 जून को होगा। प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व बड़े भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर 9 दिनों के लिए श्री गुड़ीचा मंदिर जाएंगे। रथ यात्रा के एक दिन पूर्व प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का नेत्र उत्सव सह नव यौवन दर्शन होगा। इससे पूर्व 4 जून को प्रभु जगन्नाथ का वार्षिक स्नान यात्रा होगी। दोस्तों, अब जरा 2023 की रथ यात्रा के कार्यक्रम को जान लीजिए। देव स्नान पूर्णिमा 4 जून 2023, नेत्र उत्सव 19 जून 2023, गुड़ीचा रथ यात्रा 20 जून 2023, हेरा पंचमी 24 जून 2023, बहुड़ा यात्रा 29 जून 2023। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।